जल होगा तभी तो हमारा कल होगा। आज विश्व जल दिवस है और मेरे साथ आदरणीय दिनेश जी सर हैं। आज 22 मार्च है, विश्व जल दिवस है। और मैं आपको बता दूं कि 1992 में रियो डी जेनेरो में यूएन की सभा हो रही थी पर्यावरण और विकास पे। उस दिन इस बात पर फोकस किया गया कि हमें जल को बचाने की भी जरूरत है। बिल्कुल। तो 1993 से लगातार 22 मार्च को ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसमें इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य यही है, लोगों में अवेयरनेस लाना कि जल के महत्व के बारे में बताना। एक व्यक्ति बिना जल के मात्र 5 दिन जिंदा रह सकता है। बिल्कुल, कहने को तो हमारी पृथ्वी का मतलब 2/3 से ज्यादा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन जो 97% पानी है, समुद्र का नमकीन पानी, वो पीने लायक नहीं है। और जो बचा हुआ 3% पानी है, उसका भी समझदारी से उपयोग नहीं करने की वजह से जो भूमिगत जल है वो इतनी तेजी से खत्म हो रहा है कि भविष्य की सोच भी बड़ी भयानक लगती है। हमारे शरीर की अगर हम बात करें, हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा है वो जल का बना है। हमारा ब्रेन अकेला 75% केवल जल है, हमारे खून में 83% जल है, दांत में भी 10% जल है। आप सोच के देखिए कि जल के बिना, अगर आपको एक दिन आप जल के बिना रहते हो तो आपकी क्या हालत हो जाती है। 1% अगर शरीर में पानी की कमी होती है, हमें प्यास लगने लग जाती है, और वो कमी अगर 10% हो जाए तो आदमी मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। और धरती पर जो ये जीव जगत है उनकी उत्पत्ति ही पानी से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीव जगत की कल्पना करना ही व्यर्थ है। प्रथम जो जीवन पृथ्वी पे उत्पन्न हुआ था वो समुद्र के अंदर उत्पन्न हुआ था, वहां से जिनको हम मछली वर्ग या पीसीज कहते हैं, फिर उससे एम्फीबिया, और फिर जमीन के जो सरीसृप और पक्षी और सभी जो मैमल्स है उनकी उत्पत्ति उसके बाद में हुई थी, पानी से हुई है। एक जो आरओ लगाने की परंपरा चली है ना, एक तो सबसे ज्यादा बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। आरओ ने उसकी जो प्राकृतिक उसका संगठन था उससे इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि अब आप नॉर्मल पानी पीते ही आपको वोमिटिंग होने लगती है, उल्टी होती है, सहन नहीं होता, पी नहीं सकते। ये मेरे को, इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बचपन से हमने मटके का पानी पिया है और आज भी हम मटके का बिना आरओ का पानी पीते हैं। मटका भी तो पानी को शुद्ध रखने का ही तो काम करता है, मिट्टी में पानी। सोचिए, मिट्टी से बना हुआ बर्तन आपको 3 फायदे देता है। पहला फायदा ये देता है कि उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो पानी को ठंडा रखते हैं इवेपोरेशन से। दूसरा ये होता है कि मिट्टी का जो संगठन होता है वो संगठन ऐसा होता है कि उसकी जो भी गंदगी होती है वो निथर करके बिल्कुल नीचे पैंदे में चली जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है। और तीसरी उसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, मटके में रखे पानी और प्लास्टिक में रखे, आप एक सिंपल सा करके देख लीजिए, घर पे एक हंडिया लीजिएगा और एक प्लास्टिक का डब्बा लीजिएगा, दोनों में आप नल से लिया हुआ 1-1 लीटर पानी डाल दीजिए और दोनों को बंद कर दीजिए, और 1 हफ्ते बाद में दोनों को खोल के देखिएगा, उनकी स्मेल और टेस्ट से ही आपको पता लग जाएगा। प्लास्टिक की बोतल में काई सी आ जाती है नीचे, खराब, आपको उसको खोलते ही स्मेल आएगी। सबसे पहले तो आपको उसको स्मेल आएगी, इतनी भयंकर स्मेल आएगी कि पीने का मन नहीं करेगा। पानी को जीवन का द्रव्य कहा गया है, यानी कि फ्लूड ऑफ लाइफ, पर दुर्भाग्य की बात है इस पानी को कमर्शियलाइज करके जो बोतल बंद पानी के रूप में जो बेचा जा रहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें इतनी बड़ी रकम इन्वॉल्व है कि अगर उसका कुछ हिस्सा सही मायने में पानी की समस्याओं के लिए यूज किया जाए तो विश्व भर से पानी की समस्या को दूर करना संभव है। ये पानी जब से बिकने लगा, हवा, पानी, मिट्टी, ये प्रकृति की अनमोल जो देन है, ये हम सबके लिए है, और हम सबके लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, ये सबका जीवन के लिए एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो पानी को जिस तरह से व्यर्थ किया जा रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। अभी सिंपली जैसे आपने देखा कि मैंने 1 गिलास पानी के अंदर से भी आधे गिलास पानी से अपने हाथ अच्छे तरीके से धो लिए, वहीं आप आजकल क्या देखते हैं ट्रेंड कि हम ब्रश लेके वॉश बेसिन में खड़े हो जाते हैं और अपना नाली जो नल है वो चालू रखते हैं। तो एक बाल्टी पानी एक आदमी अगर ब्रश करने में वेस्ट कर देता है तो कल्पना करिए कि एक घर के 10 मेंबर 10 बाल्टी पानी तो केवल ब्रश करने के नाम पे व्यर्थ कर देते हैं। पुराने समय में हम सबके घरों में जो परिंडा बनाया जाता था, उस परिंडे को आप सोचिए कि हमको उसकी पूजा करने की क्यों जरूरत पड़ी,
क्योंकि उनको महत्व पता था और उन्होंने जल को देवता के रूप में पूजा था। और आज आश्चर्य की बात बताऊं आपको, आज जल के देवता यानी वरुण देव, यानी कि जिन्हें हम चेटीचंड के रूप में जानते हैं, उनका दिवस भी है आज, चेटीचंड पर्व भी है, जिसे वरुण देवता के रूप में हम उनके उनके सम्मान में मनाते हैं। तो बड़ी ही एक अच्छी ये संयोग है कि आज ही के दिन जल देवता का जो त्योहार है और आज विश्व जल दिवस भी है। तो हम सबको जल को देवता मान करके इसको समझदारी से काम में लेना चाहिए, क्योंकि जल है तो ही जीवन है। और विश्व की अधिकांश जो सभ्यताएं जो पहले विकसित हुई वो भी नदी घाटी इसीलिए क्योंकि जल के बिना तो संभव ही नहीं है, जीवन ही संभव नहीं है, जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। विकासशील देशों में तो जैसे हम बोले कि 80% जो बीमारियां होती हैं वो दूषित जल के कारण ही होती है। बिल्कुल, पीने का पानी, मुझे याद है अच्छे से कि जब छोटे थे तो परिंदे में से पानी लेने के लिए अगर बिना हाथ धोए अगर उसको लेने की कोशिश करते थे तो नानी इतनी और दादी माँ इतनी डांट लगाती थी कि नहीं, वो देवता का स्थान है, जल जो पीने का जल है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, इसलिए पहले अच्छे से हाथ धो के और उसके बाद में ही उस परिंदे के अंदर तुम छुओगे। अगर आप कोशिश करोगे ना तो देखना जो नए बनने वाले कितने घर हैं उनमें परिंदा बनाना ही खत्म हो गया है, तो ये मिलता ही नहीं है। इसे घर में सर जैसे मंदिर के लिए अलग स्थान होता था, वैसे ही परिंदे के लिए जगह होता था और उसके अंदर जल को रखने का उद्देश्य कि जल को देवता का दर्जा देने का मतलब ये था कि हम जल का महत्व समझे। अगर पानी वेस्ट करोगे ना तो अगले जन्म में बिना पानी के तुम्हें रहना पड़ेगा, सोच लो मछली बन के। तो निश्चित रूप से हमें ही वापस शुरुआत करनी होगी अपने सभ्यता को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए। और मैं कहता हूँ जितनी भी विज्ञान ने चीजें अंधानुकरण करके हमको दी, हमने उनका सदुपयोग नहीं करके उनका दुरुपयोग ज्यादा किया है। और उसी का एक नतीजा है कि ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा रसायनों का उपयोग करना, पानी का ज्यादा उपयोग करना, भूमिगत जल का दोहन करना, ये सारे के सारे दुष्प्रभाव आने वाले समय में हमारे सामने आने ही वाले हैं। और अगर समय रहते हम लोगों ने इसको नहीं रोका तो निश्चित रूप से भविष्य अंधकारमय होगा। पानी खत्म हो गया, ट्यूबवेल बंद सर, थोड़ा सा एक ये चीज हो सकती है जैसे बारिश का पानी है तो उसको सेव किया जाए। एकमात्र मैं कहता हूँ एकमात्र उपाय है वाटर हार्वेस्टिंग को गवर्नमेंट को कंपल्सरी कर देना। दो चीजें मैं कहता हूँ, सरकार को दो चीजें कंपल्शन कर दे कि घर की छत पे आपको सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कोयले से बनने वाली बिजली है वो कितनी ज्यादा प्रदूषण करते हुए हमारे पास पहुंची, आप सोचिए। तो सोलर पैनल जहां तक पॉसिबल हो वो सरकार उसमें सहायता दे। और दूसरा जल का संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग आज भी हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके और गांव हैं जहाँ जो पानी के टाके होते हैं ना उस पानी को पीते, मैंने वो पानी पिया तो उसका स्वाद इतना बढ़िया मीठा स्वाद। की तरफ हम चलते हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, जो हमारे गांव है, सालासर की तरफ आते हैं, चूरू का एरिया है, बिल्कुल बीकानेर, सरदार शहर, उनमें मतलब पानी बोलते हैं उसको, उतना बढ़िया पानी होता है, वो 12 महीने तक कहीं खराब नहीं होता। वो और उस पानी की जैसे जो मिठाइयां बनाई जाती हैं उनका स्वाद देखिए आप। मैंने खुद निश्चय किया है कि मेरा जो घर का आगे वाला जो हिस्सा जो है अभी है उसमें जो पूरी जो छत का हिस्सा है उस हिस्से को मैं, जो वाटर टैंक एक बना हुआ है उस वाटर टैंक को मैं उससे वाटर हार्वेस्टिंग करके उसमें कनेक्ट करके और वो पानी संरक्षित करना स्टार्ट करूंगा। पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी लिखी होती है पता है वो किस चीज की एक्सपायरी है? वो एक्सपायरी होती है कि इस बोतल की एक्सपायरी है इस समय के बाद में इस बोतल के प्लास्टिक के जो केमिकल है वो पानी को दूषित करना शुरू कर देंगे। पानी की अपने आप में कोई एक्सपायरी नहीं होती है। पानी अगर शुद्ध रूप में प्राकृतिक रूप में है तो वो कहीं से भी खराब नहीं होगा। जल को बचाना ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया है हमारे पास। ज्यादा वेस्ट पानी नहीं करना चाहिए, जितना पर्याप्त है उतना ही पानी इस्तेमाल करें। बिल्कुल, हम ये सोच लेते हैं कि हमारे तो घर में अच्छे से पानी आ रहा है तो हम क्यों बचत करें। तो ये कर कहते हैं ना हम लोगों की, सब लोगों की क्या है कि हमने निकट दृष्टि इतनी ज्यादा विकसित कर ली है कि मैं अपने आप तक सीमित होके रह गया हूँ कि मेरे को जब तक मिल रहा है तब तक कोई संकट नहीं है।
अगर आप थोड़ा सा दूरदृष्टि लेके देखेंगे तो आज भी हमारे देश में ऐसे इलाके हैं जहां पे कई किलोमीटर दूर जाके और सर पे पानी के मटके लेके आने पड़ते हैं। उनसे पूछिए, पानी के एक गिलास अगर गिर जाता है तो उसके उनके चेहरे के रंग बदल जाते हैं, क्योंकि कितनी मेहनत लगी है उस एक मटके पानी को लाने। जैसे हमने क्या है, सोख से गड्ढे बना रखे हैं कि जो बारिश का पानी था वो सारा नीचे चला एक जाए। इसी संदर्भ में बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। एक सबसे बड़ी जो गलत चीज हो रही है वो क्या, अगर लोग घरों को पक्का कराने लगे हैं, कच्ची जगह छोड़ते ही नहीं है, उसके दो दो दुष्प्रभाव ये हो रहे हैं कि पानी को नीचे जमीन में सोखने के लिए जगह नहीं, और हमारे बच्चे जब तक मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। आजकल बच्चों में एलर्जी की प्रॉब्लम पता ज्यादा क्यों हो गई है, क्योंकि बचपन में उनको एक्सपोजर नहीं मिला, एक्सपोजर नहीं मिला एनवायरमेंट का, नहीं मिला, नतीजा उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई कि वो हल्की सी पानी का चेंज होते ही, हवा का चेंज होते ही बीमार हो जाते हैं और वो डॉक्टर के पास भागते हैं। तो आओ मैं दिखाती हूँ आपको, नीचे स्टोर हो जाता है वेस्ट, जो भी पानी होता है। हमने ये मिट्टी, ये कच्चा ही रख रखा है यहाँ से, और हमारे जो बाथरूम का पानी है, हमने एक सोख का गड्ढा और बना रखा है जिसमें जो बाथरूम का, जो नहाने धोने का